कृषि बिल नहीं विरोधी को मोदी को टारगेट। पीएम कहिले मिथ्या प्रचार करुछंती विरोधी, आगको भी जारी रहिबा एमएसपी बिल को समर्थन करिबा को प्रधानमंत्री का आह्वान। अवसर थिला बिहार पाई विभिन्न प्रकल्प शुभारंभर घोषणा, किंतु प्रधानमंत्री भाषण में फोकस थिला कृषि बिल उपरे। बिल विरोध में अपप्रचार पाई विरोधी को सीधा सीधा टार्गेट करिथिले मोदी। कहिथिले किछि लोक चासी को विभ्रांत करुछंती, किंतु यही बिल कृषकों को अनेक बंधन मुक्ति देव, निज कृषि उत्पादन बिक्री पाई कृषकों को अधिक विकल्प मिलिबो। प्रधानमंत्री कहिथिले किछि दल निर्वाचन समय कृषकों को बड़ा बड़ा प्रतिश्रुति देथिले, घोषणापत्र उल्लेख भी करिथिले। आज एनडीए सरकार जेतेबेले सही कथा करुछि सेमाने विभ्रांति सृष्टि करुछंती। देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। एमएसपी प्रसंग रे भी सरकार का अभिमुख्य स्पष्ट करिछंती मोदी। पीएम कहिथिले एहा अपप्रचार करा जाउछि जे कृषकों को आउ सर्वनिम्न सहायक मूल्य रो फायदा मिलिबा नाही, किंतु ए सब मनगढ़ा कथा। ए सब कहि कृषकों को धोखा देउछंती विरोधी। आम सरकार कृषकों को एमएसपी माध्यम उत्पादन उचित मूल्य देवा को प्रतिश्रुतिबद्ध। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने यह बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। ओडिशा बीजेपी सांसद माने ही बिल को समर्थन करने सह चाषी माने बिल को नहीं कौन द्वंद्व न पड़ा को अनुरोध करछंती। ए बिल चाषी स्वार्थ रे बोली कहिछंती कलाहांडी सांसद वसंत पंडा और बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी। किसान सम्मान निधि ना चाषीर बैंक अकाउंट को सीधा पैसा जीवा एवं एबे जो महत्वपूर्ण बिल पास हला सीटा हूँ जे सारा देश में किमिति वन नेशन वन मार्केट हेबो, गोटे मार्केट हेबो, जो मार्केट रे कटकणा रहिबो नहीं, जो मार्केट रे चाषी थारु शुल्क आदाय हेबो नहीं। तो मते लागु छि एटा ऐतिहासिक निष्पत्ति हेछि पार्लियामेंट रे। तो एभली सुजोग एभली अवसर अतीत रे कोनोसी सरकार देन थिले चासी मानकु, स्वतंत्रता देन थिले चासी मानकु। से स्वतंत्रता आज 72 वर्ष परे चासी भाई माने पाइबाकु जाउछंती, यह निश्चित रूप रे कृषक भाई मानकर पाई आनंदर विषय। कृषि बिल को ने प्रधानमंत्री को बयान परे स्पष्ट हो जाय छि जे एने सरकार कोनोसी परिस्थिति रे पछकु हटिबे नाही, तेणु आगकु संसद भितरे ओ बाहरे राजनीतिक लड़ाई जोरदार हेबार संभावना रही छि। दिल्ली रु गगन विश्वाल का रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।